स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास टेन क्लास ट्वेल्थ बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं एक वीक के बाद कॉपी चेकिंग होती है सो लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लिबरल आपके जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर सज दूंगी बहुत से बच्चों का अलग अलग किस्म के सवाल है पहले ये समझ लेते हैं कि कॉपी चेकिंग आपकी काफी लिबरल होती है लिबरल डज नॉट मीन दैट इफ यू विल नॉट राइट देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ आप अगर स्टेप्स लिखते हो बेटा तो आपको स्टेप्स के नंबर डेफिनेटली मिलते हैं स्टेप्स शुड बी करेक्ट ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन है उसमें जेड लिख दो तो ऐसे स्टेप मार्किंग नहीं होती बट हाँ आपने उसके रिगार्डिंग चीजें लिखी अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखा आपको हाफ मार्क्स उसका दिया फिर आपने फॉर्मूला लिखा लेकिन दैट शुड बी करेक्ट देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स ठीक है तो स्टेप मार्किंग भी होती है आपने अटेम्प्ट लिया होता है उसकी भी मार्किंग होती है देन आपका जो स्कूल है इंटरनल मार्क्स देने में कभी कमी नहीं करता अगर ट्वेंटी मार्क्स का इंटरनल है उसमें बेटा आपको अट्ठारह से बीस तो स्कूल देता है और थर्टी मार्क्स वाले में ट्वेंटी एट टू थर्टी के रेंज में ही हर बच्चे को मिलता है सो इंटरनल मार्क्स की टेंशन आपको नहीं है सी ने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल एक मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाई हुई है जिसके तहत अगर कोई क्वेश्चन जो है जिसमें एरर है या वो एम्बिग्स है डिफ़िकल्ट है कोई सेट तो सीबीएसई क्या करेगी उसके नंबर आपको देगी तो वहां पर भी आपको है लास्टली ग्रेस मार्क्स बेटा चार पांच नंबर मिलता है बट ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दी जाती है मॉडरेशन इज ऑफिशियली अनाउंस बाकी ऑफिशियली अनाउंस है कि स्टेप मार्किंग होगी अटेम्प्ट के नंबर दिए जाएंगे बट ग्रेस मार्क्स इज ऑन टीचर्स वो लास्ट में देख के कि चलो तीन चार पांच नंबर से बच्चा अगर फेल हो रहा है तो दे ट्राई हार्ड कि आपको वो पास कर सके एमसीक्यू में भी अगर मान लो तुमने सी लिखा है आंसर ए है तो टीचर्स कई बार आंसर बना भी देते हैं आपके लिए कि बच्चा पास हो जाए दैट डिपेंड्स ऑन टीचर बट लास्टली वो कोशिश करते हैं कि चार पांच मार्क्स देकर बच्चे को पास कर दिया जाए तो ये होता है इसके बाद कॉपी चेकिंग की अगर अपडेट दूं तो बेटा नाइन टू तो फाइव कॉपी चेकिंग चल रही है हर दिन एक टीचर बीस से पच्चीस कॉपी चेक कर रहा है एंड उनको सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया है कि कॉपी चेकिंग शुड बी लिबरल टीचर्स पे भी प्रेशर होता है ये देखो मान लो आप 10 से 20 पेज लिखते हो उसके बाद जो टोटल पेज बचे हैं सबको उनको क्रॉस करना पड़ता है ऐसा भी होता है ना मान लो आपने पेज 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 तक लिखा है मिस मिस हो गया, मिस हो गया गया आपने आंसर लिखा है तो टीचर विल वेरीफाई ईच एंड एवरी पेज तो वो भी वो करते हैं और कॉपी चेकिंग के मल्टी स्टेप होते हैं जैसे फर्स्ट एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेकिंग कर ली दैट वुड बी वेरीफाइड बाय द सेकेंड एग्जामिनर ठीक है अगर आपकी मार्क्स की रिटोटलिंग होगी रिटोटल करेंगे फिर उसको भी चेक करेगा कोऑर्डिनेटर कि किस क्वेश्चन के अगेंस्ट कितने नंबर आपको दिए गए हैं ठीक है असिस्टेंट हेड फिर वेरीफाई करेगा और प्रॉपर चेकिंग होती है हेड एग्जामिनर ये भी देखता है कि कहीं आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा या कम नंबर तो नहीं मिल गया तो इस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है सो आपको डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कोई क्वेश्चन बचे हुए एग्जाम में छोड़ के नहीं आना ठीक है है अब जैसे आप में से कुछ बच्चों के सवाल है कि एक दो न्यूमेरिकल में ही लिखा है करके कर किया है तो marks मिलेंगे बेटा ये आपने अगर CBC की marking scheme देखी हो तो हाफ मार्क्स जो है वो गिवन पे मिलता है आपने फॉर्मूला भी लिखा है आपने कैलकुलेट भी किया जितने स्टेप आपने देखे आपको उसके नंबर मिलेंगे ठीक है अगर आपने सोलह सत्रह मार्क्स का किया है अब टेंथ के हो ट्वेल्थ को मुझे नहीं पता बट ट्वेल्थ के भी हो बेटा अगर सेवेंटीन मार्क्स का है तो ट्वेंटी थ्री में पास है तो टीचर विल ट्राई आपने अटेम्प्ट वगैरह लिए होंगे तो आपको टीचर जरूर पास कर देंगे ठीक है और देखो बेटा आपके तीस नंबर का अगर आपने बनाया है इसके अलावा आपने अटेम्प्ट भी लिया है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे आप पास तो देखो ट्वेंटी थ्री में ही पास होता है क्लास ट्वेल्थ ठीक है और टेंथ के साथ तो क्या है ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आप मिलाकर होता है तो प्रैक्टिकल में आपके अठारह से बीस होते हैं तो थ्योरी में थर्टीन टू फिफ्टीन लाओगे तो आप पास हो जाओगे बट फॉर अगर आप टीस मार्क्स लाए हो तो तीस से आपको कम से कम और फिर अटेम्प्ट भी लिया है तो आपके फोर्टी फाइव के रेंज में जाना चाहिए अगर आपने करेक्ट अटेम्प्ट लिया है तो सो यू डोंट नीड टू अबाउट द एग्जाम जो हो गया है केमिस्ट्री वगैरह का आगे के एग्जाम फिजिक्स वगैरह की तैयारी करो ठीक है अब कुछ बच्चों को कहने का आपने चालीस मार्क्स का सही किया और बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आंसर्स लिख दिए तो आपने चालीस का लिखा तो आपको पचास के अराउंड तो बेटा जरूर आएगा हम्म आंसर चेक जब आपके रिजल्ट आएंगे तो प्लीज लेट मी नो जैसे हर साल बच्चे बताते हैं कि हाँ अच्छा नंबर आया मैं तो आप भी बताना जरूर कि आपके कितने पहुंचे सो so, फोर्टी का लिखा अटैम्प्टो तो फिफ्टी तक तो आपको जरूर मिलेगा स्टेप मार्क्स वगैरह करके सो डोंट नीड टू मॉल अबाउट दैट सो दिस इज द करेंट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग सो डोंट नीड टू वरी परेशान मत होइए कॉपी चेकिंग अच्छे से ही हो रही है अगर आपने वर्ड लिमिट वगैरह का ध्यान नहीं रखा हुआ है तो फिर आगे के एग्जाम्पल में वर्ड लिमिट का ध्यान रखो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो ठीक है और जो आंसर होता है उसको बॉक्स कर दिया करो की वर्ड्स लिखने की कोशिश करो टेक ऑल अटेम्प्ट्स आता हो नहीं आता हो डजेंट मैटर अटेम्प्ट ले लो किसी भी एमसीक्यू को छोड़ना नहीं नहीं आता हो आंसर सी लिख दो एटलीस्ट आपको नहीं आ रहा है तो सी लिखना अगर आ रहा है तब तो अपने हिसाब से लिखो ठीक है क्योंकि फिर टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं आपको अदरवाइज फिर दिक्कत होती है सो so, यही अपडेट दे सकती हूँ अभी एग्जाम बाकी है सो कीप स्टडी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड द चैनल स्टूडेंट्स